ठीक है, तो अपना डीबी इज इक्वल टू क्या आया डेरिवेशन के बाद कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई। अब देखिए कॉस फाई क्या होगा, हर एक एलिमेंट के कारण क्या होगा, चेंज होगा। ये आपका ए है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अभी आपका डीएल यहाँ पे था तो एंगल क्या था, फाई। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे लेगा तो एंगल क्या होगा, चेंज होगा, ये फाई डैश होगा। क्या होगा, फाई डैश होगा। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे लिया तो ये अलग आएगा, फाई डबल डैश, और यहां से एंगल अलग ही है। कहाँ तक एंगल है ये, तो फाई वन से लेकर ये एंगल क्या आपका फाई टू तक। तो कहने का मतलब क्या, जब आप स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो देखिए आई तो वही रहेगा, डीबी क्या है यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हर जगह कांस्टेंट है, आई भी क्या है हर जगह कांस्टेंट है, जो आई यहाँ पर है वही आई यहाँ पर है। ए भी क्या होगा, इस एलिमेंट के कारण ये जो ए है वो वैरी नहीं होगा। हाँ कॉस फाई वैरी होगा, फाई क्या होगा वैरी। तो जब आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बी नेट, और जब इंटीग्रेशन करेंगे डीबी का, तो यहां से क्या आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर गया। आई अपॉन ए भी क्या है कॉन्स्टेंट, बाहर गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई आएगा और ये वैरी हो रहा है। जब कोई एलिमेंट यहां पर लेगा तो ये एंगल यहां पर बनेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, ठीक है। इस एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एंगल ये है, इस एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एंगल ये है। तो जब आपका टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई क्या होगा एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेरी होगा। कहां से कहां, तो फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट। तो आपको इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फाई वन से लेकर फाई टू तक। तो इतना सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन होगा, फ्रॉम फाई वन टू फाई टू, फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, और कॉस फाई को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी नेट इज इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, और यहां क्या आएगा आपका कॉस फाई का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। और ये एंगल क्या लेंगे, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, नीचे है ये, हुँ। ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ये ले रहे हैं तो जिस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं कि भाई ये सेंटर से लेकर ये नीचे का पार्ट माइनस एल बाई टू से लेकर एल बाई टू है, रोटेशनल में हम पढ़ाए थे कि अगर आप इधर का एंगल, इधर का एंगल आपका माइनस एल बाई टू से लेकर एल बाई टू है, तो उस तरह ये भी एंगल क्या होगा, ये आपका एंगल क्या है, यहाँ एंगल है, तो ये फाई वन क्या आएगा नीचे। तो साइन फाई का इंटीग्रेशन कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई, ठीक है। ये अपर लिमिट क्या है फाई टू, और लोअर लिमिट क्या है माइनस फाई वन, माइनस फाई वन। तो यहां से क्या आएगा बी नेट इज इक्वल टू व्हाट, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए अपर लिमिट। तो अपर लिमिट फाई की जगह पुट करना है, साइन फाई टू माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा प्लस फाई वन। सो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, और ये क्या आएगा आपका साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। बी नेट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन यहां पर क्या होगा इनवर्ड, कैसे, तो करंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, ठीक है, करंट ये जा रहा है। तो यहां पर थंब होगा, क्या होगा थंब। तो जब आप पेन अपना थंब रखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर क्या होगा, उसको क्या लगेगा, करंट नीचे आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, करंट क्या होगा इनवर्ड, ठीक है, करंट क्या होगा इनवर्ड, ठीक है।
करंट क्या बनेगा, इनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए वहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्या होगा, इनवर्ड। समझ में आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल लगाइए, जब करंट के डायरेक्शन में आप थंब रखेंगे, यहाँ पे थंब है, तो आपका फिंगर का कर्ल किधर होगा, नीचे होगा। आप करके देखिए, पेन पे थंब रखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका फिंगर क्या होगा, नीचे कर्ल करेगा, या फिर आपका फिंगर क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ऐसे समझिए। फिंगर क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो आपको पता है जब भी क्लॉकवाइज, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। तो अब पॉइंट पी पर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर पी पर ऑब्जर्वर है, पी पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, अगर थंब आपका यहां पर है, तो फिंगर का कर्ल का डायरेक्शन नीचे जाएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर ऑब्जर्वर को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी में केसेस हैं, केसेस मतलब क्या, ठीक है। तो अभी आपका लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग मतलब क्या, जिसका डिस्टेंस कुछ पता है और जहां से आपका एंगल का मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हो सकता है, तो कितना हो सकता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये sin φ1 मतलब लोअर एंड से एंगल, प्लस sin φ2 अपर एंड से एंगल, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब लॉन्ग मतलब क्या, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट, तो क्या होगा आपका, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जब इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, पी, तो यहां से एंगल कैसा दिखेगा, अब समझिए। पहले आप थोड़ा सा लेंथ है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, तो यहां पर एंगल बन रहा है, ठीक है। अब लेंथ और बढ़ा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर है, तो एंगल बढ़ेगा, ये क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। पहले एंगल मान लीजिए यहां एंगल क्या था, ये 30 डिग्री, ये एंगल क्या है, 30 डिग्री, एंगल कम है, एंगल क्या है, कम, ध्यान से समझिएगा सभी को। यहां पर एजम्पशन होता है कि जब भी इन्फिनिटी होता है तो फाई का वैल्यू 90 डिग्री होता है, या आप किसी भी बुक में सिर्फ डायरेक्ट आपका ये एजम्पशन दिया हुआ है कि जब भी आपका इन्फाइनाइट होगा तो एंगल जो बनता है किसी भी पॉइंट पर वो 90 डिग्री बनेगा। वो हम बता रहे कैसे बनेगा, उसका क्या एजम्पशन है, क्या समझ में, कैसे समझना उसको। तो अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ बढ़ा, अब देखिए यहां तो ये आपका फिक्स है कि सेंटर से, तो ये एंगल लोअर एंड से और अपर एंड से एंगल क्या होगा, बढ़ रहा है, जो फाई टू है और ये फाई वन है, ये आपका एंगल क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज किया। तो जब लेंथ इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ा, ये मान ली 30 डिग्री पहले था, अब 60 डिग्री हुआ। अब लेंथ और बढ़ा तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, और बढ़ेगा, ये यहाँ सेंटर से ये एंगल क्या होगा, और बढ़ेगा, और यहाँ भी एंगल क्या होगा, और बढ़ेगा, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपका, ठीक है। उस तरह से आपका जब लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर मतलब कि इतना बड़ा है कि बिल्कुल क्या होगा, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा मैक्सिमम एंगल, मतलब जब ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि लगभग यहां से 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इतना बड़ा वायर होगा कि लगभग यहां से एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यहां भी नीचे इतना लंबा हो जाएगा कि लगभग क्या होगा, वायर का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है कि जब आपका इनफाइनाइट वायर है, ये क्वेश्चन में कंसेप्ट अभी यूज होगा आज ही, अभी अच्छा 9 तो बज गया, कल इस पर एप्लीकेशन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, कि अगर आपका इन्फिनिटी ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू व्हाट, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैसे आएगा, तो sin 90 sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, sin 90 प्लस sin 90, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट है,
तो जहां भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, वहां पर क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट वायर के लिए याद रखना है, ये हमेशा याद रखना कि जहां भी इनफाइनाइट वायर वर्ड यूज है तो वहां पर फॉर्मूला होगा 2I/A फॉर द इनफाइनाइट वायर, फॉर द इनफाइनाइट वायर। ठीक है, बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I/A, दिस इज द इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। और कभी कभी क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या, अगर ये आपका वायर है, ठीक है, कभी कभी यहां पर इंफिनिटी दिया है कि यहां पर इंफिनाइट है और यहां पर इंफिनाइट नहीं है, और यहां से आपका इधर कभी कभी इंफिनाइट दिया हुआ है कि एक एंड क्या इंफिनिटी है पर एक एंड आपका फिक्स है कि वहां से एंगल कुछ है, वहां से एंगल आप मेजरमेंट कर रहे हैं, पर एक तरफ से एंगल क्या होगा 90 डिग्री, इतना बड़ा है। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π, और यहां पर क्या आएगा, I/A और 1 + sin φ, 1 + sin φ, ठीक है, 1 + क्यों, क्योंकि एक तरफ का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, चाहे φ1 हो या φ2, और दूसरे तरफ का एंगल बचेगा। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखना है कि 1 + sin φ, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, ये वर्ड यूज रहेगा, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कल इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोगों का है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, और जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या आप बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर क्वेश्चन में दिया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो ये पॉइंट ओ है और ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल क्या है थीटा, ये करंट जा रहा आपका आई और यहां से करंट वापस जा रहा है आई, ठीक है। तो ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये पार्ट डी। जो रेडियस दी हुई है, ठीक है, यहां से यहां तक, और एक रेडियस ये भी दिया हुआ है, तो ये रेडियस का वैल्यू दिया हुआ आर टू और इसका लेंथ फ्रॉम द सेंटर ये दिया हुआ आर वन, क्या दिया हुआ है आर वन। तो यहां पर एक आपका जो सर्कुलर पार्ट है उसी का पार्ट कट किया गया है, जो सर्कुलर पार्ट है उसी का पार्ट कट किया गया है, और आपको फाइंड करना है दोनों के कारण व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, टू सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ अ मेटेलिक वायर हैविंग रेडियस आर वन एंड आर टू
are joined to form a wire loop. The two segments obtain an angle theta. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो अचानक नहीं बनेगा. ठीक है, टू सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग रेडियाई R1 and R2 are joined to form wire loop. The two segments sustain an angle. Center O. If a current I passes through the wire. Find magnetic field. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. टू सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ अ मेटेलिक वायर. अच्छा, ए दो बार हो गया. टू सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ अ मेटेलिक वायर हैविंग रेडियाई आर वन एंड आर टू आर जॉइंट टू फॉर्म अ वायर लूप. द टू सेगमेंट्स ऑब्टेन्ड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ. इफ अ करंट आई पासेस थ्रू द वायर. ठीक है, थ्रू द वायर देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसके ऑप्शंस भी हैं पर इतना ऑप्शन लिखने में टाइम लगेगा. अब डायरेक्ट फाइंड कीजिए व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ अलोंग विद द डायरेक्शन. आगे आंसर. सबसे पहले थोड़ा सा एडी और बीसी को देखिए. एडी और बीसी, एडी और बीसी को, तो एडी ये है आपका. ठीक है, एडी ये है और मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल सामने है और मेरा करंट ये थ्रेड कर रहा है, करंट मूव कर रहा है. तो जब भी मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल सामने होगा तो एंगल क्या बनेगा, साइन थीटा क्या होगा, जीरो होगा. थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो होगा. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी जीरो. उस तरह यहां बीसी भी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां आई मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे कंट्रीब्यूट करेगा. नहीं, इसका एंगल क्या होगा, साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो. तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो. मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो. बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सामने ही है.
अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल बिहाइंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो आपका एंगल जब पाई बनेगा आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? वन वाला जो सेगमेंट है सर्कुलर आर का, और ये जो सर्कुलर सेगमेंट है आर टू रेडियस का, वही आपका कंट्रीब्यूशन करेगा। तो बी वन क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है आपका? अपोजिट है। एक है क्लॉकवाइज, एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो ऐड होता, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये देखना कि किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़ा कौन होगा? जिसका रेडियस कम है, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, यहां भी आई है और यहां भी आई है। अगर करंट वैरी होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी होता, पर जो लूप में करंट पास हो रहा है यहां, वही लूप में करंट यहां भी जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट क्या होगा? सेम। आपको रेडियस देखना है कि जो क्लोजर होगा, जिसका डिस्टेंस कम, उसका इफेक्ट, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा। और जिसका डिस्टेंस ज्यादा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम। तो यहां पर क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा आई। तो यहां पर थीटा नहीं दिया है कि ये सेमी सर्कल है कि क्वाड्रेंट है, तो आप जो थीटा है क्वेश्चन में वही लेके चलेंगे, थीटा आई। और फॉर्मूला क्या होता है? 1/r। तो बड़ा क्या है? आर वन वाला, तो 1/r1 - 1/r2। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि जो आर वन का है ये ज्यादा होगा और आर टू वाला क्या होगा? कम होगा। तो बड़े में से छोटा माइनस करें। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए आर वन जो बड़ा है उसी का डायरेक्शन भी होगा, तो यहां पर क्या था? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या? इनवर्ड डायरेक्शन। और इसके कारण क्या था? आउटवर्ड। तो इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, तो नेट कुछ ना कुछ आपका इनवर्ड डायरेक्शन में बचेगा, नेट कुछ ना कुछ आपका इनवर्ड डायरेक्शन में बचेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड डायरेक्शन। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द इनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा क्या? सही है। सीधा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं नीट जेई में, सभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहां पर जो एंगल है दिस इज थीटा। ठीक है, यहां से ये भी जो रेडियस है दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहां पर आपका आर है और यहां भी क्या आपका आर। ठीक है, तो ये एक सेमी जो वायर का एक सर्कुलर सेगमेंट है जिसका रेडियस क्या है आपका यहाँ पर, तो रेडियस का वैल्यू दिया है 0.1 मीटर। वैल्यू क्या दिया है? 0.1 मीटर। और ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। करंट का जो वैल्यू दिया आई इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। आई इज इक्वल टू व्हाट? 6 एम्पेयर। तो आपको निकालना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जल्दी निकालिए सभी कोई।
जल्दी सभी को सॉल्व कीजिए। देखिए इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक कॉल है, सही आंसर है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पर ऊपर जीरो होगा, ठीक है। इसके कारण भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है इसके सामने या जस्ट अपोजिट थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई है, तो ये कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसके कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, सिर्फ इसके कारण आएगा। तो कितना होगा, सर्कुलर ट्रैक के कारण, सर्कुलर सेगमेंट के कारण। तो बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू व्हाट, मी नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। और डायरेक्शन क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब क्या, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या होगा, इनवर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो वैल्यू लिख दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर -7, थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 को हम क्या बोलते हैं, पाई बाय 3। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन 60 है, नहीं, सिर्फ थीटा है। तो यहां पर क्या पुट करेंगे, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई बाय 3 आया, पाई बाय 3। करंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 6 एम्पेयर, 6 एम्पेयर अपॉन आर, आर का वैल्यू क्या है, 0.1। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/10, क्या लिखेंगे, 1/10। तो 1 into मतलब ये 0.1 मतलब क्या, 1/10, तो 10 यहां चला गया। ऐसे भी 1 into 10 का पावर -1, तो 10 का पावर -1 ऊपर गया, तो क्या होगा, 10 का पावर 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 into यहां पर क्या है, 3.14/3, और ये देखिए 10 का पावर 1 है, और ये 10 का पावर -7 है, तो क्या आएगा, 10 का पावर -6। और ये जब पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आएगा, 6.28 into 10 का पावर -6। यूनिट क्या होता है, टेस्ला, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, टेस्ला। और सीजीएस क्या होता है, गॉस, क्या होता है, गॉस। और ये भी बताए थे कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच गॉस, तो 10 का पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मच गॉस, तो 10 टू द पावर 4 गॉस। तो ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन कीजिए सभी कोई। इस सभी का रेडियस दिया है, आपको निकालना व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ।
व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट ओ, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट ओ, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ एंड डायरेक्शन, बताइए जल्दी बताइए। सबसे पहले देखिए ये जो स्ट्रेट पार्ट है, ये जो स्ट्रेट पार्ट है और ये जो स्ट्रेट पार्ट, चार स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पर, चार स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों? द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जस्ट लाइज इन फ्रंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। इन फ्रंट मतलब क्या, साइन थीटा क्या होता है, जीरो, एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा। तो जब साइन थीटा जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, जीरो। तो ये जो स्मॉल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अब देखिए ये सबसे पहले वन वाला जो आर स्मॉल है, ठीक है, क्या ये स्मॉल, तो इसको हम बोल रहे हैं वन, ठीक है, इसको बोल रहे हैं टू, इसको बोल रहे हैं थ्री। तो सबसे पहले स्मॉल वाला, तो बी वन क्या आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई थीटा आई, करंट वही है, और अपॉन आर, थीटा आई अपॉन आर, एंगल कितना सबटेंड कर रहा थीटा, तो थीटा आई करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, आई है, तो थीटा आई अपॉन आर। डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब क्या, इनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, उस तरफ बी टू। तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, करंट तो वही है, करंट आपका वही है, डिस्टेंस ज्यादा है फ्रॉम ओ, तो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस द इफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो यहां बी टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई थीटा आई, सेम करंट है, रेडियस क्या है, टू आर। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसको बोलते हैं एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लोकवाइज मतलब क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन। उस तरह यहां पर क्या है, बी थ्री, क्या है, बी थ्री, तो बी थ्री मतलब क्या है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और ये क्या होगा आपका, तो थीटा आई अपॉन थ्री आर। डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, क्लॉकवाइज है, ठीक है, डायरेक्शन क्या, इनवर्ड। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो यहां पे क्या होगा, सम करना है डायरेक्शन देखने के बाद। तो यहां पर दो इनवर्ड डायरेक्शन है, तो वो क्या होगा, एड, और एक क्या करेंगे, माइनस। तो हम क्या करेंगे, दो इनवर्ड वाले को एड करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई थीटा आई अपॉन आर प्लस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और थीटा आई अपॉन थ्री आर, और ये माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करने के बाद, और क्या होगा, तो आउटवर्ड वाले को माइनस करेंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई थीटा आई अपॉन टू आर, थीटा आई अपॉन टू आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई थीटा आई अपॉन आर कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई थीटा आई अपॉन आर कॉमन ले लेंगे,
यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा वन, यहाँ पर क्या बचेगा वन अपॉन थ्री, और यहाँ पर क्या बचेगा वन माई वन बाई टू, तो ये कितना आएगा आपका। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई थीटा आई अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका, थ्री इंटू टू क्या होगा सिक्स, थ्री इंटू टू क्या होगा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सिक्स, यहाँ पर वन है तो यहाँ पे क्या आएगा सिक्स प्लस, यहाँ पर थ्री है तो थ्री टू या सिक्स, यहाँ पे क्या आएगा टू माइनस, यहाँ पर क्या है टू है तो यहाँ पर क्या आएगा थ्री आएगा। सो द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। देखिए सिक्स प्लस टू क्या होगा एट, एट माइनस थ्री क्या आएगा फाइव, तो फाइव थीटा आई अपॉन सिक्स आर, फाइव थीटा आई अपॉन सिक्स आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, पर आपने यहां पर डायरेक्शन वेक्टर में लिखा है तो यहां पर डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो दो इनवर्ड को जब ऐड करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा ज्यादा, तो ये डायरेक्शन नेट का भी क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड, ठीक है। तो फाइव थीटा आई अपॉन सिक्स आर, दिस इज द फाइनल आंसर। आया था सभी का, बताइए। कोई पॉइंट दिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है ए और बी, ए मतलब कि ये जो डिस्टेंस है एक्स का ये ए है, और ये जो हाइट है ये क्या आपका बी, ये जो हाइट है ये क्या आपका बी, ठीक है। अब इसमें जो करंट जा रहा है, जो करंट का वैल्यू है दिस इज व्हाट आई वन, और यहां करंट का वैल्यू अलग है दिस इज आई टू, ठीक है। तो टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है, एंड द टू वायर्स कैरी करंट ऑफ आई वन एंड आई टू रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, इन दोनों वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और डायरेक्शन भी बताना आपको, जल्दी निकालिए सभी को। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। अच्छा यहां पर जो एजम्पशन ये दिया है कि जो बी इज व्हाट लेस देन ए, जो बी है दैट इज व्हाट लेस देन है, जो डिस्टेंस है बी का, डिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन ए,
यहां पर देखिए सबसे पहले वन के कारण, तो वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बी वन एट पॉइंट पी, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, टू आई अपॉन आर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, टू आई अपॉन आर, आर मतलब क्या, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा ए आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या ए, डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड, डायरेक्शन क्या इनवर्ड डायरेक्शन। नाउ बी टू ड्यू टू सेकंड इनफाइनाइट करंट कैरिंग कनेक्टर, तो बी टू के कारण पी पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मी नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर लाइन जॉइनिंग द सेंटर, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से करंट कैरिंग कंडक्टर का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरा क्या है ये, यहां से लेकर ये डिस्टेंस क्या है बी, ये वाला डिस्टेंस क्या है बी है, ये डिस्टेंस क्या है बी है, पैरेलल में क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है, जिस तरह ये ए तो ये भी क्या आएगा ए, तो ये मेरा बी है, टू वाले से पी का डिस्टेंस, तो बी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं है क्योंकि पाम का डायरेक्शन इनवर्ड इधर होता और ये घूमकर इधर क्या होगा आउटवर्ड बाहर निकलेगा, तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड, क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आई वन आई टू तो दे दिया है, पर आई वन आई टू का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया क्वेश्चन में कि भाई आई वन इज इक्वल टू आई टू है या आई वन ग्रेटर है या आई टू लेस देन है एज कम्पेयर टू आई वन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर डिस्टेंस मेंशनड है कि जो मेरा बी है दैट इज व्हाट स्मॉलर एज कम्पेयर टू ए, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या आपका छोटा है एज कम्पेयर टू ए, तो जब बी छोटा होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा ज्यादा होगा, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी इज इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है, टू अपॉन बी, टू कॉमन ले लेंगे, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, टू क्या लेंगे कॉमन, तो यहां पे क्या आएगा आपका आई टू अपॉन बी माइनस आई वन अपॉन ए, और नेट डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड, नेट डायरेक्शन क्या आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप टू से कट करते हैं तो क्या आएगा बी इज इक्वल टू व्हाट, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी रहता कट करने के बाद, तो म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ठीक है, और इन केस मान लीजिए आई वन और आई टू भी बराबर है, क्वेश्चन में अगर आपका आई वन और आई टू बराबर दिया, सिर्फ ए और बी इसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आई म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, और ये क्या होगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, ठीक है, पर कब, जब आपका इन केस I1 is equal to I2 is equal to क्या हो I, तो ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग,
इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ एंड हैविंग द रेडियस आर, करंट जा रहा आपका आई और यहां भी करंट जा रहा है आई एंड दिस इज व्हाट सेमी इनफिनाइट, एक का सेमी इनफिनाइट है और एक और भी सेमी इनफिनाइट है, मतलब दोनों मिलाकर के आपका इनफिनाइट वायर, दोनों मिलाकर के आपका इनफिनाइट वायर। सो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। डायरेक्शन इज व्हाट आउटवर्ड, दिस इज व्हाट द इनवर्ड डायरेक्शन, यहां पर सबसे पहले मान लीजिए ए बी पार्ट के लिए, सबसे पहले ए बी पार्ट के लिए, तो ए बी पार्ट के लिए क्या है आपका, ये करंट कैरिंग कनेक्टर है और बिल्कुल मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है सामने, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है सामने है, तो इस ए बी पार्ट के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिंपली क्या होगा, जीरो, क्योंकि क्या है द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज जस्ट लाइज इन फ्रंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहां थीटा क्या होगा जीरो, साइन थीटा क्या होगा जीरो, उस तो यहां भी क्या आपका थीटा जीरो है पर यहां पर आपका एक सेमी इनफिनाइट है, तो यहां पे क्या होगा साइन 90 और यहां पे क्या होगा थीटा इज इक्वल टू व्हाट जीरो, उस तरह यहां भी क्या आपका थीटा बिल्कुल जीरो है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल सामने है, तो यहां पर क्या आएगा आपका बी वन इज इक्वल टू व्हाट जीरो, बी वन इज इक्वल टू व्हाट जीरो। अब देखिए ये जो आपका सेमी सर्कुलर एलिमेंट है इसको हम बोले बी टू ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट सर्कुलर पार्ट, जो सर्कुलर पार्ट है आपका बी सी, जो सर्कुलर पार्ट है आपका बी ए सी, तो देखिए अगर यहां तक होता ये सर्कुलर पार्ट, अगर आपका यहां तक होता ये सर्कुलर पार्ट तो इसको एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई, पर ये एक और आपका 90 डिग्री, एक और क्या आपका 90, तो 180 पाई प्लस 90 क्या आएगा 270 डिग्री, तो ये जो बीसी पार्ट है सर्कुलर सेगमेंट एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये जो टोटल एंगल होगा ये क्या होगा 270 डिग्री, ठीक है ये क्या होगा 270 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 270 डिग्री, मतलब क्या 3 पाई बाय 2, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और थीटा आई अपॉन आर, तो थीटा क्या है 3 पाई बाय 2, तो थीटा आई अपॉन आर आर, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट, पर डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है, ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होता है आउटवर्ड, अगर क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा आउटवर्ड,
अब देखिए ये जो आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लोग लेंगे क्या थीटा इज इक्वल टू जीरो, और एक जब भी सेमी इनफाइनाइट होगा तो ये क्या होगा साइन 90, तो साइन 90 क्या होगा वन। तो जो सी डी पार्ट के लिए ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है ये क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, तो साइन 90 वन हो गया, तो ये क्या आएगा वो आई अपॉन आर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। डायरेक्शन क्या होगा देखिए, ये अभी हम बताएं कि ये मेरा अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर आपने थंब रखा तो डायरेक्शन ऑफ फिंगर कल किधर आएगा, इधर आएगा, तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं इधर रहता तो ये क्या होता इनवर्ड डायरेक्शन, क्या होता इनवर्ड डायरेक्शन, पर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है एडेड, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऐड होगा, तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज बी नेट इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन आर यहां भी है, आई अपॉन आर यहां भी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर हम क्या लेंगे कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा वन, और यहां पर क्या बचेगा 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 और प्लस वन, एंड डायरेक्शन इज व्हाट आउटवर्ड, डायरेक्शन इज व्हाट आउटवर्ड, डायरेक्शन इज व्हाट आउटवर्ड, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 3 पाई बाय 2 प्लस वन, या 1 प्लस 3 पाई बाय 2 ये भी बोल सकते हैं आप, 1 प्लस 3 पाई बाय 2, ठीक है, समझ में आया सभी को, ठीक है।